Hello, my dear students. Firstly, a very good morning to one and all. I am Juhi, teaching English in Deve Polis Public School. Welcome to the class once again, students. Today, we are going to read the poem Leisure, written by W.H. Davies, William Henry Davies. Firstly, I want to tell you what does the title mean. Leisure. Leisure means khali samay, khali time. The time which we spend in those activities which we like. जिसमें आप कोई ऐसा काम करना चाहें जो आपको बहुत पसंद हो, जिसमें कोई एंग्जाइटी ना हो, चिंता ना हो, टेंशन ना हो. सो आफ्टर राइटिंग दिस पोएम द पोएट सेज के आफ्टर रीडिंग दिस पोएम डोंट थिंक कि आई एम लेज़ी और अपनी लेज़ीनेस की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि खाली टाइम होना चाहिए आपके पास. नहीं, उनका यह कहना है कि जो इतनी खूबसूरत दुनिया है, द ब्यूटिफुल नेचर, उसको देखने के लिए, उसको निहारने के लिए, इंजॉय करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए कम से कम वक्त तो हमारे पास होना चाहिए, टाइम तो हमारे पास होना चाहिए. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर पोएम. What is this life if full of care, we have no time to stand and stare. Here care means worries, tensions. Stare means to gaze, ध्यान से देखना, निहारना. What is this life if full of care, we have no time to stand and stare. So student, the poet is saying, what is this life? It's like, क्या है ये life? If full of care, we have no time to stand and stare. इस ज़िंदगी का क्या मतलब है? अगर हमारी ज़िंदगी में सिर्फ टेंशन है, सिर्फ चिंता है, एंग्जाइटीज़ हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि खाली समय में थोड़ी देर रुक कर अपने आसपास की नेचर ब्यूटी को फील कर सकें. अगर ये हमारे पास नहीं है, अगर ये टाइम हमारे पास नहीं है, तो हमारे लिए इस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस है. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और कोज. स्टूडेंट्स, बीनीथ मीन्स अंडर, बोज मीन्स ब्रांचेज ऑफ अ ट्री. व्हाट इज पॉइंट सेइंग हियर? द पोएट इज सेइंग कि हमारे पास नो टाइम टू स्टैंड, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम पेड़ों की ब्रांचेस के नीचे खड़े होकर थोड़ी देर ठहर कर इस नेचर की ब्यूटी को देखें. जैसे काउज, शीप्स या कुछ या सारे एनिमल्स, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज. पोएट इज सेइंग कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम ट्रीज़ की ब्रांचेस के नीचे खड़े होकर ठहर कर इस नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करें. जैसे कि काउज, शीप्स घंटों तक बैठकर, घंटों तक एक जगह पर खड़े होकर इस नेचर की ब्यूटी को निहारते रहते हैं. हमारे पास उतना वक्त भी नहीं है कि हम नेचर की ब्यूटी को ऑब्जर्व कर सकें, अप्रिशिएट कर सकें. No time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts in grass. Here woods refers to forest, jungle. The poet is saying कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि जब हम जंगल से गुजर रहे होते हैं, फॉरेस्ट से निकल रहे होते हैं, तो हम देखें कि कैसे स्क्विरल्स अपने नट्स ग्रास में छुपा लेती हैं. इधर पोएट यही कहना चाहता है कि हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि हम इस बिजी शेड्यूल में खड़े जंग इस वाइल्ड लाइफ को जो नेचर ने, जो गॉड ने हमें दिया है, उस वाइल्ड लाइफ को, उस ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ को निहार सके, अप्रिशिएट कर सके. जंगल से गुजरते समय कभी हमने नहीं सोचा कि इस वाइल्ड लाइफ, इस वाइल्ड ब्यूटी को महसूस किया जाए. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट. स्ट्रीम्स मीन्स स्मॉल रिवर. पोएट इज सेइंग कि हमारे पास
इतना भी टाइम नहीं है, इतनी भी फुर्सत नहीं है कि हम कभी देखें कि खिली हुई धूप हो और उस खिली हुई धूप की किरणें कैसे स्ट्रीम्स पर पड़ रही हैं। पोएट इज सेइंग कि जब सन की जो ब्राइट रेज होती हैं, शाइनी रेज होती हैं, पानी पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि स्ट्रीम्स पे जो वो पानी है, वो पानी नहीं शाइनिंग स्टार्स हों, ऐसा लगता है कि ट्विंकलिंग स्टार्स हैं। इस ब्यूटीफुल सीन को देखने के लिए भी हमारे पास फुर्सत नहीं है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। स्टूडेंट्स, इन दीज टू लाइन्स नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है, प्रकृति को, नेचर को एक ब्यूटीफुल गर्ल के रूप में दिखाया गया है। पोएट इज सेइंग कि नेचर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, दिस ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग। हर फुट मोमेंट्स, उसके जो कदमों की फुट के मूवमेंट्स हैं, नेचर की तरह बदलते रहते हैं। जैसे डांस में एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वैसे ही हमारी नेचर, प्रकृति हर सीजन में अपना अपीयरेंस बदलती है। समर में अलग ब्यूटी, विंटर में अलग ब्यूटी, स्प्रिंग में फ्लोरल, रेनी में बिल्कुल ब्यूटीफुल सीन। क्या हमने कभी इसको देखने, इसको समझने की कोशिश की है? हमारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं कि हम इस ब्यूटीफुल सीन को अप्रिशिएट कर सकें। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आईज बिगन। पोएट इज सेइंग कि जैसे डांस करती हुई गर्ल की स्माइल, मुस्कुराहट आँखों से शुरू होकर उसके होठों तक आती है, सिमिलरली नेचर की ब्यूटी है। कैसे एक सुंदर सी कली बड़े होकर फ्लावर बन जाती है, सुंदर सा फूल बन जाती है। हमारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं कि हम इस ब्यूटीफुल, इस खिलखिलाती हुई नेचर को अप्रिशिएट कर सकें, देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें, निहार सकें। अ पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। सो फाइनली पोएट कहते हैं कि अगर हमारी लाइफ ऐसी है कि हमारे पास जो हमारी नेचर ब्यूटी है उसको देखने का भी फुर्सत नहीं है, उसको देखने का भी टाइम नहीं है, तो आपकी लाइफ पुअर है, बिल्कुल मीनिंगलेस है। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप ठहर कर नेचर की सुंदर दृश्यों को एंजॉय कर सकें, अप्रिशिएट कर सकें, तो हमारी लाइफ मीनिंगलेस है। डब्ल्यू एच डेविस हैज़ पर्सोनिफाइड द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस विच मैनी ऑफन फेल टू ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लेजर। डांसिंग फीट एंड एंटेंटिंग स्माइल सिम्बोलिकली रेफर टू वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ द ब्यूटी अराउंड अस। सो स्टूडेंट्स, इफ आई आस्क वट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द सेंट्रल आइडिया इज इफ वी हैव नो टाइम टू इंजॉय, टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर दैट सराउंड अस, इफ आवर लाइफ इज फुल ऑफ केयर एंड एंग्जाइटीज, देन आवर लाइफ इज मीनिंगलेस। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू इंजॉयड द पोएम। लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज गिवन बाय द पोएट। If you have any doubt, do contact me. Thank you. Take care.